अस्सलाम वालेकुम जी, हम बना रहे हैं कच्चे कीमे की टिक्कियां और ये बहुत ही झटपट बन जाएंगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। है कीमा, ये जाएगा एक बाउल में। ये मैंने चिकन और थोड़ा सा मटन का कीमा मिक्स कर दिया। चिकन का बहुत ज़्यादा बारीक था, पतला था, ठीक है। अब ये जाएगी इसमें अदरक क्रश की हुई, ठीक है, ठीक है, हरी मिर्च क्रश की हुई, और ये प्याज, ठीक है, ठीक है, और ये है भुने हुए चनों का पाउडर। सही है, ताकि ये जो है आराम से जुड़ जाए। ब्लैक पेपर, ठीक है जी, काली मिर्च शामिल हो गई है, और ये है भुना हुआ जीरा और धनिया, ठीक है, ठीक है, टिक्का मसाला, यस, सही, पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छा जी, ये आपने शामिल किया है जिसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और लास्ट में इसमें जाएगा जी नमक। इसके अलावा भी कोई और चीज शामिल करनी है या बस यही? नहीं, बस यही, बस यही सारी चीजें जो हैं बस इसमें। तवे पर जो है ऑयल शामिल कर दिया है, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं जी। ये देख लेंगे, मैं कहती हूँ घरेलू खवातीन ना कुछ भी कर सकती हैं। ये आग लगाने वाला, वो क्या कहते हैं, क्या है भाभी, है लाइटर जो है ये भाभी के पास, और भाभी ने जो है इसका यूज नहीं होता क्योंकि जो इनका चूल्हा है वो वैसे ही चल जाता है। तो इन्होंने जी ये देख लें जी किस तरह से इसके ऊपर ये लगाया है, और यहाँ पर जो है कबाब बना बना कर डाल रही है। वाह जी वाह, घरेलू खवातीन को कोई टक्कर नहीं दे सकता। और लोग कहते हैं कि भाई खवातीन घर में रहकर करती क्या है, भाई वो काम करती है जो तुम्हारी सोच भी नहीं है। माशाल्लाह क्या रंग आया है, और बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर जो है आपने इसको बनाना, ताकि ये जो है जले ना और अंदर से जो है वो अच्छे से सीख जाए। साथ साथ जो है ये कच्चे कीमे की टिक्कियां भी जो हैं वो फ्राई की जा रही हैं। देखिए मटेरियल एक ही है, बस शेप थोड़ी सी चेंज करते हैं। जिसका दिल करता है उसे कबाब खिलाएं, और जिसका दिल करता है जी उन्हें टिक्कियां खिलाएं। दही की चटनी है और उसके साथ मीठी चटनी है, और साथ में है खट्टी चटनी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। चले जी इसको हम टेस्ट करते हैं। वैसे तो सबने यहाँ पर जो है कबाब खा लिए हैं और मैं पीछे रह गई हूँ, तो मैं जो हूँ वो अपनी प्लेट बनाती हूँ। तो चलें जी, सबसे पहले आ जाता है जी कबाब, फिर उसके बाद आती है जी मीठी चटनी। गाइस ये चटनी बहुत कमाल की है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी हूँ। खटास जो है ज़िंदगी में होना भी ज़रूरी है, और साथ में जो है ये हमारे पास रायता है। तो जी ये है हमारी प्लेट। पहली तारीफ जो है हो गई है, माशाल्लाह क्या बात है, माशाल्लाह भी हो गई है। हंड्रेड में से 80 नंबर मिल गए भाई भाभी को। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।